पहलवान यादव का सबसे छोटा पुत्र डीजे अंकल के पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के मशहूर कलाकार विजय लाल यादव जी, गीता रानी जी एवं बहुत भाग्यशाली है कि आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, आदरणीय बुजुर्गों के चरणों में गिरकर आशीर्वाद की आशा रखता हूं। अपने से छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत सारा प्यार। साथियों, मैं सबसे पहले अपने पूरे परिवार की तरफ से रामगढ़ की महान देवी रूपी जनता के चरणों में गिरकर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेरे पिताजी को प्यार दुलार लोकसभा 2014 में दिया, रामगढ़ में जो सबसे ज्यादा वोट देकर आप लोगों ने जो मेरे पिताजी को सम्मान दिया, इसका हमारा पूरा परिवार जिंदगी भर आभारी रहेगा। आप लोग जानते हैं कि हम जितने समाज के दुख दर्द को मेरे पिताजी समझ सकते हैं, उतना कोई दूसरा राजनेता नहीं समझ सकता। आप ही जैसे लोगों का प्यार था जो मेरे पिताजी तीन तीन बार डुमरांव से निर्दलीय विधायक बने, मंत्री बने। मंत्री बने तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले बिल्लोरी कहीर की 500 टन पीतल की उन्होंने मूर्ति बनवाई, दुनिया की वो सबसे बड़ी घोड़े पर सवार ऐतिहासिक मूर्ति, बिहार का एक नया इतिहास बना। इतना ही नहीं, जब डुमरांव के लोगों पर जब जब अत्याचार हुआ, हमारे समाज के लोगों को जब जब जरूरत पड़ी, तो पिताजी कभी 350 कभी कभी 4-4 घंटे लगातार उनके लिए फायरिंग करने की भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने किया। इसके उदाहरण है कुरान शरिया कांड हो या 61 हो, उसके बाद 3 महीना फरार थे, 3 महीना जेल के अंदर, और जब हमने आकर जाकर अपने पिताजी से बात किया तो उन्होंने बोला कि आपके अपने समाज के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और आपकी रक्षा के लिए उनको जिंदगी भर भी जेल में रहना पड़ता है या फांसी पर भी झूलना पड़ता, तो वो कभी पीछे ना आते। जब मेरे पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, हमारे समाज के लोगों को जब भी कोई कष्ट होता था वो पटना में आते थे, उनके परिवार का इलाज कराने की बात हो या कभी कोर्ट में कोई मामला फंस जाए या कोई अधिकारी हमारे समाज में लोगों को परेशान करता हो या उनको स्टेशन से लाना ले जाना, जो भी हमारे समस्याएं होती थी, मेरे पिताजी पटना में जब भी आप लोग भी आए होंगे तो 24 घंटा